साहिबगंज जिला के रांगा थाना पुलिस ने सड़क लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान अरंजन किस्पोट्टा ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर घटना का उद्भेदन किया। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के बाकुड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास पाकुड़ के एक व्यवसायी से 1,80,000 रुपए की छिनतई कर ली गई थी। मामले को उद्भेदन को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीके मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसे घटना को अंजाम देने वाले मोतीलाल ठाकुर उर्फ मोतिया बड़ा दुर्गापुर और मोहम्मद इसराफिल शेख उर्फ राजा तीन पहाड़ निवासी को बढ़रवा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके निशानदेही से कटहलवाड़ी पहाड़ से लूटे गए बैग, मनी, रसीद, लेजर, अकाउंट बुक सहित अन्य सामान को भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी ने घटना में अपनी सहभागिता को स्वीकार करते हुए अन्य लोगों का नाम भी बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अग्रसर कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा गया। 20 अक्टूबर 2020 को रांगा थाना अंतर्गत बाकुड़ी क्रॉसिंग के आगे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें पाकुड़ के व्यवसायी के द्वारा से करीब 1,80,000 रुपये की लूट हुई थी। इस लूट की घटना के संदर्भ में रांगा थाना कांड संख्या 124-20 दर्ज किया गया था, धारा 320 के तहत 92 के तहत। और इसके सफल उद्भेदन के लिए SDPO बड़ौदा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है तथा इसी आलोक में एक अभियुक्त मोतीलाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया, जिसके निशानदेही पे एक दूसरे अभियुक्त इसराफिल अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया। मोतीलाल ठाकुर को बड़ड़वा से और इसको तीन पहाड़ से गिरफ्तार किया गया। इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान पे अपने अन्य साथियों का नाम बताया, जिसमें से पूर्व में ही कुछ लोग को पकड़े जा चुके हैं और एक न्यायालय में समर्पित किया है। एक आध अभियुक्त इसमें बाकी है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।